वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो चलिए दिखाते हैं कि हम चीज़ गार्लिक ब्रेड किस तरह से बनाते हैं, जो कि बच्चे और बड़े सभी को पसंद आने वाली है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए दिखाते हैं कि मुझे इनमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है और मुझे कैसे इसको बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 4 स्लाइसेस ब्रेड लिया है, और ये लिया है मैंने गार्लिक को पेस्ट बना लिया है। 8 से 10 गार्लिक था, उसका पेस्ट बनाया मैंने। यहाँ पे बटर लिया है 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पे मैंने लिया है हरी धनिया की पत्ती ली है, और ये लिया चिली फ्लेक्स लिया है, और ये लिया है मैंने मोजरेला चीज ग्रेट कर लिया है। तो यही सब सामग्री इसमें चाहिए। और चलिए दिखाते हैं कि हम इसे किस तरह से मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर डालूँगी गार्लिक। गार्लिक का मैंने फाइन पेस्ट बनाया, आप चाहे तो चॉप कर सकते हैं, पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पेस्ट बनाया, इससे अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया की पत्ती और चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बटर। बटर आप उतना लीजिए जितने, जिससे कि आप जितने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं उस हिसाब से बटर ले लीजिए और उसमें सारी सामग्री ऐड कर लीजिए। तो मैंने 4 स्लाइस लिए हैं, तो उसके लिए इतने बटर पर्याप्त हैं। 2 बड़े टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। अगर आप बटर फ्रिज में रखते हैं तो बाहर रख दीजिए, थोड़ा मेल्ट हो जाए। तो हमारी बटर देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल। तो ये गार्लिक बटर तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे लेती हूँ ब्रेड। ब्रेड के चारों स्लाइसेस ऐसे साइड से बराबर बराबर रख दे रही हूँ। और मैं यहाँ पे इस तरह से इसे फैला दूँगी। अच्छी क्वांटिटी में फैलाना है, बहुत हल्का नहीं ना बहुत ज़्यादा, तो ठीक ठाक एक लेयर जैसे अच्छे से लग जाए, उस तरह से मैंने इसमें लगा रखा है। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड में लगाऊंगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्रेड में बटर लगा दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ चीज। चीज को भी एक लेयर जैसे डालना है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि अच्छे से मैंने चीज को भी यहाँ पे फैला दिया है। तो मैं अब इस पे दूसरा वाला ब्रेड इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी, बिल्कुल जैसा सैंडविच के उसमें। और यहाँ पे मैंने इसको दोनों सही कर दिया है। तो तवा रखा है मैंने गैस पे, गैस पे तवा रखा है, तो तवा हीट हो चुका है। ऊपर से भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बटर लगाऊंगी। तो आप देख रहे होंगे कि बटर लग गया है दोनों साइड में। और मैंने आपको बताया था कि तवा मैंने हीट किया था, प्री हीट किया था। तो अब इस पर मैं डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस धीमी आंच पे मैंने रखा था। और ये गर्म हो चुका है, तो मैं जिस साइड में बटर लगाई हूँ उसी साइड में इसको पलट के इस तरह से रखूँगी, और दूसरी साइड में मैं अभी बटर नहीं लगाऊँगी। आप देखते रहिए वीडियो को, ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे बड़े दोनों लोगों को शाम का स्नैक्स हो या सुबह का। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया था, आप देख रहे थे। इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे रख के गैस को ढकना है, फिर ऊपर से हम इस पे फिर से वही बटर, गार्लिक बटर लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने लगा दिया, और इसे मैं पीछे की साइड पलटती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया से कलर आ गया है इसमें।
तो दूसरी साइड भी इसी तरह से पका लूँगी। बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। डालूंगी मैगी मसाले, बच्चों के फेवरेट हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैगी मसाला एक पाउच लिया था उसको मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और इसके ऊपर मैं मिलाऊंगी बटर, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और चीज़ के साथ गार्लिक ब्रेड तो फिर पूछिए मत, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे शाम के स्नैक्स में बना के खा सकते हैं, चाय के साथ, या फिर मौसम बारिश का मौसम हो तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और लाइट नाश्ता होता है। तो ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गए, जिसे मैं पीछे की तरफ भी पलट करके सेक ली हूँ अच्छे से। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी इसी तरह से नई नई रेसिपी देख सकें और मुझसे आप जुड़ सकें। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को निकाल लिया है, मेरा ये स्टिक्स तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से मैंने इसकी स्टिक बना लिया है, तो आप देख रहे हैं इसी तरह से ये सारे स्टिक तैयार हो गए। और चीज़ देखिए बहुत ही बढ़िया से इसका ये क्या बढ़िया चीज़ निकल के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, देखने में भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर और बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर आपको मेरी ये चीज़ गार्लिक ब्रेड पसंद आया हो बनाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।